का जो चैप्टर है ये सतीश चंद्र की बुक से है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया से। चैप्टर नंबर है 4 और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ 800 to 1200। और चैप्टर का मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट आपने पहले करा है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब आपने पहले पढ़ा है। तो चैप्टर की लेंथ बड़ी है लेकिन आप इसे बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे बिकॉज ये आपको आता है। क्या है चैप्टर में और चैप्टर क्या बताना चाहता है, हम टॉपिक टू टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहली बात, 800 से 1200 AD के बारे में पढ़ने जा रहे हैं लेकिन अभी आपने 1000 से 1200 AD की पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं पढ़ी है। पॉलिटिक्स अभी आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप 800 से 1200 AD के बीच का दौर पढ़ने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि 800 से 1200 के बीच में राजनीति में चाहे अंतर आए भी थे ड्यूरिंग 1000 to 1200, लेकिन लगभग लगभग इन 400 सालों तक इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन एंड रिलीजन का सिस्टम कहीं ना कहीं अपने से पहले सिस्टम के मुकाबले ही बराबर चलता रहा। और एक कॉन्टिन्यूटी आपको देखने को मिलती है, बहुत बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं, एक होमोजेनिटी ऑब्जर्व होती है। इसी वजह से ये जो 400 से 500 साल हैं अपने आप को यूनिफाई करते हैं एक कॉमन कल्चर के थ्रू, और वो कॉमन कल्चर आप बिना पॉलिटिकल सिचुएशन पढ़े भी पढ़ सकते हो। हाँ, जब आप पॉलिटिकल सिचुएशन पढ़ लेंगे आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कुछ सिचुएशंस के, लेकिन बेस्ट एस्पेक्ट ये है कि आप इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन, रिलीजन, वुमेन, इन 400 साल के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ें और पहले पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर बनाया गया है। ओके, जब हम इन सारे एस्पेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में क्या समझाया गया है, देखिए इतिहासकारों का जो मत है वो विभाजित है, जो उनका थॉट है वो डिवाइडेड है। किस तरह से, एक सेक्शन ऑफ हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हुआ, एक्सट्रीम लोकलिज्म था, रीजनलिज्म था, जिसकी वजह से व्यापार नीचे गिर चुका था। उसका प्रमाण ये है कि 10th सेंचुरी से पहले कहीं पर भी गोल्ड कॉइन्स आपको सर्कुलेट होते नहीं नजर आ रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ गोल्ड कॉइन है बहुत स्ट्रांगली, दैट वॉज द रीजन कि ट्रेड एंड कॉमर्स उतने बड़े लेवल पर नहीं था, इंटरनल ट्रेड भी नहीं था, इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं था। लेकिन अगर हम इसी कोरोलरी को पहचानने की कोशिश करें तो यूपीएससी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन बताएगा कि अकॉर्डिंग टू यू क्या 8th से 12th सेंचुरी के अराउंड गोल्ड कॉइन्स के नहीं मिलने का मतलब यह है कि व्यापार नहीं था। हमेशा मेंस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो एक ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि जिस दौर में मंदिरों में बेअंत गोल्ड लगाया गया है उसी समय गोल्ड के सिक्के क्यों नहीं थे, कारण क्या था जिससे हमें ये गलतफहमी हुई कि व्यापार नहीं था। क्योंकि हमारी यही प्रॉस्पेरिटी है ना, जैसे लूटने के लिए फॉरनर्स आते थे, तो जो लोगों को इतना लूर कर सकती है, इतना आकर्षित कर सकती है, तो फिर वो बिना व्यापार के कैसे हुई, है ना। चलिए इन सारी सिचुएशंस को मैं डिकोड करने का प्रयास करता हूँ और अब हम चर्चा करते हैं एक खुले टॉपिक पर। आपके दिमाग की इंद्रियां थोड़ी ज्यादा खोलते हैं, पहले भी पढ़ा है आपने, इसको खोलने का काम करते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, आपको ये नजर आता है कि सोसाइटी जो है उसमें आपको इंटरनेशनल ट्रेड खत्म होता नजर आता है। रीजन ये दिया जाता है कि जो वेस्ट यूरोपियन एम्पायर है, वेस्ट रोमन एम्पायर, उसका एंड हो जाता है, तो उससे कनेक्टेड ट्रेड भी खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है और ऑथर ऐसा कहता है कि इस एम्पायर के टूट जाने का या खत्म हो जाने का उतना बड़ा व्यापार पर असर नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके सक्सेसिवली ही आपको बहुत बड़ा बाइजेंटाइन एम्पायर मिल जाता है जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल में है, और उसी के साथ आपको बहुत ही बड़ा ससैनियन एम्पायर मिलता है जो ईरान में बेस्ड है। और ये दोनों एम्पायर बहुत हाई लेवल पर गुड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड करते रहते हैं। इसी समय में आप देखें तो आपको चाइना में तांग एंड सोंग डायनेस्टी भी दिखती है, जिन्होंने बहुत हाई लेवल पर एम्पायर की ग्रोथ की और एम्पायर ग्रो हुआ। तो कुल मिलाकर के डिमांड की कमी नहीं रह सकती है, आपके एंड पे सप्लाई होना चाहिए, ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में हम अगर कुछ चीजों को नोटिस करें तो इस समय में हमें क्या नजर आता है, आप ये कहते हैं कि इंटरनल ट्रेड कम हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड कम हुआ, इसकी वजह से ट्रेड रूट्स का इम्पोर्टेंस खत्म हुआ, और ट्रेड रूट्स के इम्पोर्टेंस खत्म होने की वजह से ही वो शहर जो ट्रेड की वजह से उस रास्ते पर खड़े थे वह शहर भी डिक्लाइन कर गए, और उन शहरों के डिक्लाइन से इस बात का पता चलता है कि वो काम खत्म हो चुका है। इसको सीधा सीधा लिंक प्रॉस्पेरिटी से करना है कि क्या प्रॉस्पेरिटी इस समय की फिर किस वजह से हो सकती है, किस रीजन से हो सकती है, जब आप ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं भाई। क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इंडिया के एंड पर सबसे कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पल्स भी हमें इसी एज में मिलते हैं,
चाहे वो बृहदेश्वर मंदिर है हमें इसी दौर में मिलता है, चाहे गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर हमें इसी दौर में मिलता है, चाहे वो जगन्नाथ का पुरी मंदिर इसी दौर में मिलता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी दौर में मिलता है, हमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी इसी समय में देखने को मिलता है, हमें केशव मंदिर होयसालों का इसी दौर में देखने को मिलता है, हम्पी के मंदिर इसी समय मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मंदिर हैं ये सारे आपको इसी दौर में मिल रहे हैं, और जो इनर्मस वेल्थ को बताते हैं, जो राजा की तरफ से ये बताते हैं कि बड़े लेवल पर लेबर फोर्स एम्प्लॉय की जाती थी, उन्हें पे किया जाता था। मंदिरों को बनाने का दौर ऐसा था कि ये बड़े लंबे समय तक बनते रहते थे, सालों साल तक, सेंचुरीज तक बनते रहते थे, और उनमें गोल्ड, सिल्वर और अदर ऑर्नामेंट्स बहुत हाईली एम्बेडेड होते थे। मंदिर एक तरह के प्रेस्टीज से जुड़े हुए थे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब प्रॉस्पेरिटी नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी को आप सीधा लिंक कर रहे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स से, तो फिर मंदिर इतने भव्य हैं, नगर हैं इतने भव्य हैं। चलिए इसको बेहद खूबसूरत ढंग से चर्चा करते हैं। मैं इस पूरे पूरे चैप्टर में उन बातों पर ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बाकी जिस पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पहले हो चुकी है उसको आप घर से ऐसे तेजी पढ़ लेना जाके। चलिए इन बातों पर अब चर्चा करते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। जब हम इस पीरियड की बात करते हैं तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि हम इसे कंपेरेटिव वे में ले लेते हैं। हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं इसके प्रीवियस पीरियड से, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट एडी से लेकर के लगभग 600-700 तक के पीरियड से। वो पीरियड जो होता था वो पीरियड ही बेस्ड था ट्रेड एंड कॉमर्स पे, क्योंकि आपको नए वे में फर्स्ट लगभग 45 या 50 एडी के अराउंड आपको पता लगा कि कैसे मॉनसून विंड्स होती हैं, आपने समुद्री व्यापार की शुरुआत करी, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स का भारत पर कंट्रोल होने लगा, और उन्होंने इम्पॉर्टेंट लैंड बेस्ड ट्रेडिंग रूट्स जैसे कि सिल्क रूट था, इन सबको अपनी लाइवलीहुड का एक सोर्स बनाया, क्योंकि वो आउटसाइडर थे और एग्रीकल्चर उतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं सपोर्ट करा सकते थे। तो एग्रीकल्चर रेवेन्यू से बेटर है कि आप ट्रेडिंग लिंक्स पर आप डिपेंड करें, क्योंकि आप पहले एक पेस्टोरलिस्ट और फाइटिंग कम्युनिटी से हैं जिसका काम है रेड करना, प्लंडर करना, तो वो आपकी एक्सपर्टीज है, आप उस फील्ड में ये काम कर सकते हैं। ऐसे में व्यापार वाणिज्य उस दौर का बहुत बड़ा बैकबोन हुआ करता था और आप उसी के बेस पे खड़े थे। भारत ने उस व्यापार से बहुत लाभ भी उठाया, वेस्ट से ईस्ट को, ईस्ट से वेस्ट को, चाइना के द्वारा जितनी सामग्री जाती थी वेस्ट एशिया की तरफ, तो भारत उससे लाभ उठाया करता था, चाहे वो रोमन एम्पायर में जाए चाहे वो वेस्ट एशियन एम्पायर के पास जाता था। अब जब हम इस ट्रेड के साथ खुद को कंपेयर करेंगे नए दौर में, तो हमें ऐसा फील होता है कि ट्रेड डिक्लाइन कर चुका है, इंटरनेशनल भी और इंटरनल भी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब भी कोई एक चीज डिक्लाइन करती है तो किसी दूसरी चीज के खड़ा होना मुमकिन है, और हो सकता है कोई दूसरी चीज ज्यादा बड़े पैमाने पर खड़ी हुई है, इसलिए पहली से लोगों का सिग्निफिकेंस कम हो गया, लोगों का सरोकार कम हो गया, तो इसलिए वो गिर गई है ऑटोमेटिकली। ये भी तो एक कारण हो सकता है ना, आप फेलियर से जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन आप सिस्टमेटिकली देखें तो गिरने का एक कारण ये भी हो सकता है। तो अब कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इस दौर में एक खास चीज होगी, वो ये होगी कि बड़े पैमाने पर जो लोकल क्लैंस हैं, लोकल ट्राइब्स हैं, वो अपने आप को वर्ण व्यवस्था में सेटल करना चाहेंगे। वो अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज की वजह से इस नई वर्ण व्यवस्था में आने के बाद रूलर्स, चीफ्स और मार्शल क्लैन में कन्वर्ट होंगे, और अल्टीमेटली उनको लेजिटिमेशन चाहिए सोसाइटी की, इसके लिए वो ब्राह्मणों का समर्थन करेंगे, इम्पोर्टेंट लोकल मिलिट्री चीफ्स का समर्थन करेंगे, जो हराए हुए रूलर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट पे करेंगे, और अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अपने एंड पे उतनी कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ना डेवलप कर पाने की नेगेटिविटी की वजह से उन लोगों को भी आप सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लैंड देंगे कि वो धीरे धीरे सारा अपरेटस मैनेज करें। ऐसा हो सकता है कि रूलर ने ऐसा सोचा हो कि एक बार जब अपरेटस मैनेज हो जाएगा, और मैंने क्योंकि ये क्लॉज रखा है कि समय आने पर अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे आपकी असाइनमेंट आपसे वापस ले ली जाएगी, मतलब आपका लैंड ले लिया जाएगा, तो जब एक बार अपरेटस सेटल हो जाएगा तो हम ये प्रोक्लेमेशन कर देंगे कि अब सभी सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, कोई भी ग्रांट बेस्ड ग्रांटी नहीं रहेगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए, ऐसा भी तो इमेजिन किया जा सकता है ना, समझा रहा था। चलिए तो कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर टाइम में ब्राह्मणास को लैंड ग्रांट किया जाना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था, क्योंकि उस समय में आपको न्यूली एस्टेब्लिश्ड अपनी एरिया को वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ओबीडियंट सोसाइटी में कन्वर्ट करना था, और इसके लिए आपको रिलीजियस टूल का यूज लेना है, लीगल टूल्स का यूज लेना है। इन दोनों में ही ब्राह्मण एक इम्पॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले करके एक कैटलिस्ट है, और वो ये कर रहा है। तो इसकी वजह से भारत के बहुत सारे वो लैंड और भारत की बहुत सारी वो कम्युनिटी
जो अब तक एग्रीकल्चर में नहीं थी वो एग्रीकल्चर में आ गए। लैंड भी एग्रीकल्चर के अंदर आ गया, कम्युनिटी भी एग्रीकल्चर के अंदर आ गई। तो इस चीज को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऑल इन ऑल एक शिफ्ट हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर की तरफ, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज, बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट पीपल, हंटर गैदरर्स, जो पहले एग्रीकल्चर नहीं किया करते थे और सेटल्ड लाइफ नहीं बिताते थे, वो इस समय आपको एग्रीकल्चर और इस तरह की लाइफ में आते नजर आएंगे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको दिखेगा कि हम ट्रेड एंड कॉमर्स से निकल करके एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर काफी स्ट्रांग हुआ है इस समय में। इसका जिक्र हमें सुलेमान से भी मिलता है, अल मसूदी से भी मिलता है। ये बता करके गए हैं कि भारत की सॉइल बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पर कई तरह की फसलें निकाली जाती हैं, साल में 2 या 3 फसलें भी निकाल ली जाती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है जी। तो ऐसा हो सकता है जैसा शायद एग्रीकल्चर का प्रोमिनेंस बहुत बड़ा हो, पहली बात। दूसरी बात, इस समय के दौरान अगर आप देखें तो जो रूलर है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर रहा है, अपने अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो चीफ हैं जिनको शायद उसने हराया और फिर से उनका लैंड उन्हें रिस्टोर कर दिया, जो ब्राह्मण है, पंडित है, जिसको शायद जरूरी समझता है वो अपने एडवाइजर के तौर पर, रूल मेकर और लॉ मेकर के तौर पर, और या फिर कोई पनिशमेंट या जजमेंट देने के लिए, इन सारे सेक्शंस को जो रूलर है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए लैंड ग्रांट में देता है। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि आप बहुत सारे टैक्स रेवेन्यू के असेसमेंट के एंड कलेक्शन के राइट अपने नीचे क्रिएट की हुई बॉडीज को दे रहे हैं। उनके पास एक स्कोप आ जाता है कि फिर वो फार्मर से मैक्सिमम, अब मैंने एक एंड पे कहा कि एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा था, तो दूसरे एंड पे मुझसे एक इकोनॉमी का स्टूडेंट ये कहेगा कि ऑलवेज जब एग्रीकल्चर ग्रो होता है तो फार्मिंग कम्युनिटी डिमांड क्रिएट करती है, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो 2 चीजें होंगी, या तो आपकी अपनी कंट्री में चीजें मैन्युफैक्चर होके उनको सप्लाई की जाए तो आपकी अपनी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो तब होता है फॉरन इंटरनेशनल डिमांड क्रिएट होती है, आप इंटरनेशनली चीजें प्रोक्योर करके देते हैं। बट एग्रीकल्चरल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के होने के बावजूद भी ये नहीं हो पाया, उसका रीजन क्या था? आपने जो एक नया फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनाए रखा है, और इस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सारा का सारा सिस्टम आपने सब लॉर्ड्स को दे दिया है, फ्यूड को दे दिया है, और वो फ्यूड जो है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है मनी अपने लिए जोड़ के रख लेने की, अपने आप को वो देना चाहता है ये सारा पैसा। इसकी वजह से वो रूलर को उस लेवल पर वेल्थ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, नहीं करेगा, जो रूलर का ड्यू शेयर बनता था। सेकेंड एस्पेक्ट, चूंकि फार्मर अब रूलर के अधीन नहीं है, रूलर धर्म के अनुसार चलता है, रूलर नियमों के अनुसार चलता है, फार्मर अब उनके अंडर है जिनको रूलर ने अपॉइंट कर रखा है फर्दर, तो फार्मर से भी मैक्सिमम स्क्वीज कर लिया गया उस पर्सन के द्वारा। तो एग्रीकल्चर हुआ, क्रॉप्स भी बड़ी हैं, सब कुछ था। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पढ़ें तो धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स भी 1/6 ही हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे अनयूजुअल सेस और अनदर टैक्सेस लगा करके ये जो फ्यूडल्स हुआ करते थे, इन फ्यूडल्स ने बे इंतहा लूटा है किसानों को। इसकी वजह से 2 चीजें हो रही हैं। पहला तो फार्मर के पास भी परचेजिंग पावर नहीं बच पा रही है कि वो अल्टीमेटली परचेज कर सके, जिसकी वजह से वो डिमांड क्रिएट करे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री में लगे, और सेकंड, या फिर आप इंटरनेशनली मंगाते हैं, और सेकंड ये है कि वो जो फ्यूड है वो भी अल्टीमेटली इस वेल्थ को उस लेवल पर खोल के, कुछ छुपा के नहीं, ओपनली नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसने ये वेल्थ कहीं ना कहीं रूलर को बाईपास करके अर्न की है, तो वो भी इसे एकोमुलेट करेगा। टेंडेंसी एकोमुलेटिव होगी, स्पेंडिंग की टेक्नोलॉजी टेंडेंसी उतनी रही रहेगी, अनलेस अनटिल कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो भी यही एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क को अपनाएगा, अल्टीमेटली उसके अंदर के मेंबर भी फिर वही टेंडेंसीज अपना रहे हैं जो कभी उसने अपनाई थी अपने रूलर के प्रति। इसकी वजह से जो पैसा है वो मार्केट में फ्लोट नहीं हो रहा है, चोक हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के रुक रहा है, चोक हो रहा है। लेकिन इन तर्कों को भी हम समझेंगे थोड़ी देर में, और थोड़ा सिस्टमेटिकली। ये 2 बातें अभी तक की समझ आई? ये 2 परिवर्तन है पीछे की सोसाइटी से, जिसके कंपैरेटिवली हम इसे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात आ जाती है यहाँ पर कि फ्यूडलिज्म था, और फ्यूडलिज्म के तहत सबसे पहली चीज थी कि मंदिर आपको बनवाने हैं, क्योंकि आप वर्ण सिस्टम के अंदर शायद अथॉरिटी नहीं रखते हैं इस पोजीशन पर रूल करने की, तो वर्ण आश्रम में अपने आप को सेटल कराने के लिए आप एक कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, ब्राह्मण, और उसको प्रसन्न करने के लिए आप उसे लैंड दे रहे हैं। उसके कहने पर
जनता को, समाज को प्रसन्न करने के लिए आप भव्य मंदिर बना रहे हैं और अपने ओपोनेंट्स को आप दिखा रहे हैं कि मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एंड गिल्ड जो आपके लोकल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप मंदिर को डोनेशन दे रहे हैं, और वो मर्चेंट गिल्ड भी मंदिर को डोनेशन दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मंदिर का विकास होगा, मंदिर बनना शुरू होगा, तो प्रोडक्ट उन मर्चेंट एंड ट्रेडर और उन गिल्ड के ही बिकेंगे, तो वो भी एक इन्वेस्टर का रोल कर रहे हैं। उनकी तरफ से दिए गए ग्रांट अल्टीमेटली एक तरह के इन्वेस्टमेंट ही हुआ करते थे, कि वर्ल्ड बैंक आज अगर भारत में डैम बनाने के लिए, रिवर चैनल बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट उन्हीं कंट्री से कंज्यूम करेंगे, उन वेस्टर्न कंट्रीज के जिनके शेयर वर्ल्ड बैंक में बहुत ज्यादा है, इसलिए वो वर्ल्ड बैंक के तहत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप देखते हैं बेअंत मर्चेंट ट्रेडर्स गिल्ड सभी मंदिरों को दान देते रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में, और उसका एक कारण ये बहुत बड़ा होता था कि मंदिर एक तरह के टेम्पल टाउन का रोल प्ले करते थे, क्योंकि वहीं पे टाउन क्रिएट होगा, और अगर टाउन एक बार बनेगा तो अल्टीमेटली उसका फायदा इन्हीं मर्चेंट गिल्ड्स और ट्रेडर्स को ही मिलने वाला है, तो टेम्पल एक तरह के फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे। तो अल्टीमेटली इस सारी चीजों की वजह से देखते हैं कि टेम्पल को तो गोल्ड से अदर आर्टिकल्स के साथ सजाया जा रहा है, लेकिन करेंसी में उन चीजों का यूज नहीं किया जा रहा है। उसका एक इम्पॉर्टेंट और सिंपल रीजन ये हो सकता है कि करेंसी का उपयोग उस लेवल पर नहीं किया गया। इसका कारण ये था कि आपको जो नए नए लैंड है वो अंडर कल्टीवेशन लेकर के आना है। उसका रीजन ये है कि भारत में मैक्सिमम लोगों को आप ब्राह्मण के अकॉर्डिंग सभ्य बनाना चाहते हैं, सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं, उनके रिसोर्सेस को टैप करना चाहते हैं, और ये तभी हो सकता है अगर आप उन्हें सेटल्ड कम्युनिटी में कन्वर्ट कर पाए, कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर पाए, एग्रीकल्चर में। अगर कॉइन बेस्ड इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रहती तो आप सैलरीज कैश में देते, अदर एक्टिविटीज भी आप कैश में करते, इसकी वजह से आप लैंड इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट नहीं दे पाते, आप लैंड ग्रांट नहीं दे पाते। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर टाइम में आपने क्या किया है, आपने लैंड के साथ स्ट्रांगली अटैच कर दिया है किस चीज को, वैल्यू को। आप लैंड को फ्लोट कर रहे हैं, लैंड इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, क्योंकि कैश बेस्ड, कैश बैक्ड इकोनॉमी होती तो शायद ये भी हो सकता था कि वो किसान जिसने आप जिससे आपने सब कुछ चूस लिया है, वो किसान उस बाजार में टिक नहीं पाता जहां पर उसकी जरूरत की हर चीज कैश में बिकती। ऐसे में वो किसानी भी छोड़ सकता था, बगावत कर सकता था, और फिर आप कभी टिक नहीं सकते थे। तो आपने शायद विलेज लेवल पर एक बार्टर सिस्टम को फिर से प्रमोट किया कि किसान की जेब में जो भी है, जो भी अनाज फसल कुछ भी है, वो उसी को दे करके ही चीजें खरीद परचेज कर पाए, इसलिए कैश इकोनॉमी को उतना फ्लोट नहीं करना है। ये सब कुछ आपको देखिए विलेज इकोनॉमी से जोड़ रहा है, एक लोकल इकोनॉमी, लोकल कल्चर से जोड़ रहा है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंस वैल्यू लैंड को देना चाहते हैं। लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है इस समय में, इसलिए आप टेम्पल को भी लैंड दे रहे हैं ग्रांट में, इसलिए आप नालंदा को भी पैसे नहीं, लैंड दे रहे हैं ग्रांट में, आप विक्रमशिला को भी लैंड दे रहे हैं ग्रांट में, क्योंकि नालंदा को जो लैंड दिया जाएगा मोस्टली वो लैंड होगा बंजर। अब उस लैंड को, या फिर मान लो किसी गांव का भी है, तो उस लैंड पर खुशी खुशी काम करना शुरू कर देंगे किसान और अदर सेक्शंस, और अल्टीमेटली उसके वेल्थ जाएगी नालंदा के पास, नालंदा फ्लरिश करेगा तो बगल में सब कुछ ही फ्लरिश करेगा। आज अगर आपको किसी स्टेट को डेवलप करना है, वहां पे IIT या एम्स लगा दो, वो स्टेट में वहां पे इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी, बाजार भी डेवलप हो जाएगा, शहर भी डेवलप हो जाएगा। तो एक ये सारा सिस्टमेटिकली सारा काम हो रहा है, इसी वजह से आपको मंदिर भव्य दिखते हैं, खर्चा बहुत दिखता है, उनमें लगे हुए हीरे जवाहरात मोती सब नजर आते हैं, लेकिन आपको करेंसी में उस लेवल पर ये मेटल्स नजर नहीं आते, और करेंसी भी उस लेवल पर नजर आपको नहीं आती है। आई बात समझ में? इसका रीजन ये है कि आप एक सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, और सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी में आप एक चीज देख सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा आवश्यकताएं इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल आर्टिकल्स की नहीं रहती है, इस वजह से ही आपको करेंसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बार्टर सिस्टम के थ्रू आपसे चीजें एक्सचेंज नहीं करेंगे। इन सारे बेसिस पर हम इन सारी चीजों को समझते हैं। अब हम आते हैं कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड हुआ ही नहीं करता था, या क्या सिस्टम था। भारत एक बड़ा देश है, और इस देश में आज आप इसे देश की तरह लेते हैं, लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं, तो आप किसको पढ़ रहे हैं, जो शायद उत्तर भारत में रहता था, या जो दिल्ली में है इस समय पृथ्वीराज चौहान के समय में, उसके लिए वही भारत है, जो उस समय में बंगाल पालों की राजधानी में रह रहा है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी में रह रहा है, या फिर उस समय वो राष्ट्रकूटों कैपिटल में रह रहा है, उसके लिए वो वही भारत है, वो उसी के मुताबिक लिखेगा। तो उस समय की लिखी चीजें, उस समय के ट्रेवलर्स जिन्होंने एक एरिया में विजिट किया, उसको पढ़ करके हम एक धारणा बना लेते हैं कि ये भारत था उस समय का, लेकिन भारत ऐसा नहीं था। भारत नॉर्थ में भी था, साउथ में भी था। साउथ के भारत की बात करें तो साउथ में आपको चोलाज नजर आते हैं, और चोला के समय में
बहुत ही फ्लरिशिंग ट्रेड हुआ करता था। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं ट्रेड डिक्लाइन हो गया था, तो उसको काटने के लिए मेरा तर्क ये है कि ट्रेड को ही फिजिबली फैसिलिटेट कराने के लिए राजेंद्र वर्मन ने व्यापारियों के और मर्चेंट गिल्ड्स के कहने पर ही आक्रमण किया था शैलेंद्र रूलरों के ऊपर, और मलक्का स्ट्रेट को फ्री करा करके दिया था और भारत का व्यापार चाइना से आराम से हो सके। अगर ट्रेड की ही बात है तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर राजराजा राजेंद्र और कुलोतुंगा वन है, जिनके समय में भारी भरकम अम्बेसीज चाइना भेजी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रेड ही है तो ट्रेड ही है जिसकी वजह से मालाबार पर, मालदीव्स पर और श्रीलंका पर कब्जा करना चाहता था राजराजा, जिसकी वजह से उसे वेस्ट और ईस्ट कोस्ट चाहिए था, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये ट्रेड ही था इस समय का, जिन ट्रेडर्स और व्यापारियों ने दूसरी एरियाज में जाकर के ऑब्जर्व किया कि क्योंकि क्यों ना हमें यहीं पर सेटल हो करके, यहीं से मटेरियल प्रोक्योर करके दूसरी कंट्रियों में भेजें, वहां के लोकलाइट्स के साथ मैरिजेस की वुमेन के साथ, और इसकी वजह से इंडियन कल्चर वहां पर स्प्रेड हुआ, तो भारत का कल्चर भी इन्हीं सेंचुरीज के दौरान साउथ ईस्ट एशिया में फैलना शुरू हुआ, तो ये ट्रेड ही था। ट्रेड ही था जिन व्यापारियों के पीछे उनके वहां जाकर के सेटल होने की वजह से उन्हीं की नीड्स को पूरा करने के लिए उनके मंदिर और अदर आइटम्स और उनमें पूजा करने के लिए ब्राह्मण और पंडित उन्हें चाहिए, जिसकी वजह से यहीं से बुद्धिज्म, यहीं से हिंदुइज्म साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, और कंबोडिया में अंकोरवाट और जावा में बड़ो बड़ो बदूर का बुद्धिस्ट मंदिर आपको नजर आता है। तो ये ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापारी हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेड एंड कॉमर्स के आपको बहुत सारे जिक्र देखने को मिल जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट जिक्र हैं। जैसे हम चोलाज रूलर के बारे में देखें तो हमें ऑलवेज सुनने को मिलता है कि जो ताम्रलिप्ति हुआ करता था, यानी कि तामलुक बंगाल का जो पोर्ट है उसके थ्रू व्यापार हुआ करता था सुवर्ण द्वीप यानी कि इंडोनेशिया के साथ, मलय के साथ, बर्मा के साथ, ये सारी कंट्रीज के साथ। सेकेंड आस्पेक्ट उसमें बार बार लिखा गया है कि कोलोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था वेस्टर्न कोस्ट पे, मालाबार पे, जिसके थ्रू व्यापार किया जाता था, तो मालदीव्स के और इंडोनेशिया के साथ व्यापार होता था। हमें आइटम्स का जिक्र मिलता है कि हम कहाँ से क्या मंगाया करते थे, इंडोनेशिया से हम लौंग मंगाया करते थे, सेलोन से हम दालचीनी मंगाया करते थे, तो इस तरह के जिक्र हमें स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं और यह व्यापार का बेसिस है। हमने देखा किस तरह से दक्षिण भारत में इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे कि अगर हम मालाबार की बात करते हैं केरल की, उसके बाद हम बंगाल की बात करते हैं, तो केरल है, बंगाल है, मध्य प्रदेश हुआ करता था, यहाँ पर बेअंत पैमाने पर टीक की लकड़ी मिलती है, और इसी तरह से बर्मा यानी कि म्यांमार में भी टीक मिलता है, आज दिन तक ये फेमस है। इसी टीक की लकड़ी से बनने वाले पानी वाले जहाज हैं जो समुद्र में आपको महत्व दिला सकते थे। इस वजह से आप देखें तो भारत के दक्षिण राज्यों में और भारत के ईस्टर्न एरियाज में बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है पानी के जहाज बनाने का, और शिप इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि ओवरसीज ट्रेड था, और ओवरसीज ट्रेड था इसी वजह से चोला रूलरों की भी महानता थी, इसी वजह से जावा, सुमात्रा और साउथ ईस्ट एशिया के ये कॉन्टिनेंट के इस मतलब इस एरिया के ये आइलैंड्स भी प्रोमिनेंस में आए, क्योंकि ये ट्रेड के थ्रू ही फायदा उठा रहे थे उन पर्टिकुलर डेज में। हमने बंगाल के पाला रूलर्स के बारे में सुना कि किस तरह से उन्होंने साउथ ईस्टर्न के साथ ट्रेड किया, वहां से बड़े पैमाने पर गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया की तरफ फ्लो किया, ये एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। तो ट्रेड ही है जिसकी वजह से साउथ में आप देख सकते हैं टेक्सटाइल और अदर इंडस्ट्रीज बहुत हाई लेवल पर लगी हैं, और वो प्रोडक्ट सारा एक्सपोर्ट किया जाता था। तो कुल मिला के अब हम इस बात को एस्टेब्लिश पे करने पे आते हैं कि कैसा व्यापार था, किस तरह का व्यापार था, और व्यापार असल में बहुत था, लेकिन फिर भी क्यों हम कहते हैं कि स्टेग्नेंसी का दौर था। ना रुको, अब हम ट्रेड के ऊपर डिस्कशन करते हैं और चीजों को समझते हैं। ट्रेड के बहुत सारे जिक्र हमने जब अभी पीछे चैप्टर पढ़े तो आपको देखने को मिले थे। देखिए इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, जो पैगंबर मोहम्मद है उसके बाद अरब काफी प्रोमिनेंस में आ जाता है और अरेबियन किंगडम्स एस्टेब्लिश होने लग जाती है। अपने आप को वो काफी स्ट्रांग करते हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की, मेडिसिन की, अदर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंटली इनकलकेट की जाती है अपनी सोसाइटी के अंदर, हालांकि वो अदर सिविलाइजेशन से गैदर की होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि अरबों ने हमेशा प्रयास किया कि जहां धर्म का प्रचार है वहां पर व्यापार भी रहे, तो व्यापार और धर्म हमेशा इनका साथ साथ चला है। तो ये ऑलमोस्ट अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट और डिफरेंट स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन पे सेटल करते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो ट्रेड कभी पहले पर्शियंस के हाथ में होता था, वो ट्रेड इस समय अरबियों के हाथ में देखेगा आपको, अरेबियन सी का। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम है जिसमें अरेबियन सी में वेंचर करते आपको नजर आएंगे अरबी व्यापारी, और वो व्यापार वही है जो आपको अफ्रीका से आइवरी ला करके दे रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, मैंने उस दिन भी बताया था। पर्शिया से आपको वैक्स ला करके दे रहा है, अरब के बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे कोरल्स, इस तरह के आइटम्स वो वहां से ला करके दे रहा है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि अगर आप वेस्ट से कोई भी चीज लेकर के आ रहे हैं तो आप मालदीव से आगे ले जाना डिफिकल्ट है,
और उसके बाद अगर कोई भी ईस्ट से चीज आ रही है, ईस्ट से मतलब चाइना से या अदर रीजन से, तो उसे मलक्का स्ट्रेट से आगे ले जाना डिफिकल्ट है। इसीलिए भारत ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया, वेस्ट से आने वाली चीजों को मालदीव्स के अराउंड, वेस्टर्न कोस्ट के अराउंड से उठाया, यहाँ पर इंटरपोर्ट का काम किया कि चीजें यहाँ पे उतार दी जाए, यहाँ से आगे ले जाई जाएंगी, और ईस्ट से आ रही चीजें जो मलक्का के अराउंड थी और अदर रीजन से, उनको वहां से उठाया और वहां से आगे ले जाने का काम किया। सो वेस्ट से ईस्ट को जोड़ने का काम भारत करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप देखें तो इन्हीं समय के दौरान इंडिया के साउथ ही साउथर्न इंडियन किंगडम्स जो हुई हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट किंगडम जैसे पल्लवास भी थे, उसके बाद चोलास भी आए, मदुरई के पांड्या भी हुआ करते थे, इन किंगडम्स के दौरान बड़े सारी यात्राएं साउथ ईस्ट एशिया की हुई हैं। समुद्री व्यापारी बहुत सारी मुसीबतों को झेल करके बहुत सारे एडवेंचरस एटीट्यूड के साथ एक तरफ जगह से दूसरी जगह जाते रहे, और यही कहानियां बेस्ड हैं, इसी कहानियों पर बेस्ड है सिंधबाद द जहाजी की कहानियां। तो सिंधबाद जहाजी की कहानियां इसी कहानी को दर्शाती है कि किस तरह से व्यापार था, और वो इसी समय से प्रेरित है, इस दौर से। तो वो तो सारा फोकस्ड ही ट्रेड के ऊपर हुआ करता था, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट तक के व्यापार के बीच में भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। चाइना काफी फ्लरिशिंग था इस पर्टिकुलर टाइम में, चाइना को बहुत सी वस्तुएं भारत से चाहिए होती थी, जैसे स्पाइसेस चाइना इंडिया से यूटिलाइज किया करता था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना को और भी बहुत सी जरूरत की चीजें चाहिए, जैसे ग्लासवेयर, ग्लासवेयर कांच का सामान, ये वेस्ट एशिया से आया करता था, लेकिन इसे चाइना तक भारत पहुंचाने का काम करता था। अदर बहुत सारी चीजें जैसे हर्ब्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो भारत में ही पैदा हुआ करती थी, लेकिन जो आइवरी है वो उसे अफ्रीका का चाहिए होता था। तो ग्लासवेयर वेस्ट एशिया से इकट्ठा करना, आइवरी अफ्रीका से इकट्ठा करना, अपने स्पाइसेस, अपने हर्ब्स, अपने मेडिसिन्स और अपने कॉटन प्रोडक्ट्स, ये साथ में जोड़ करके चाइना कंसाइनमेंट भेजने का काम भारत करता था। तो ये चाइनीज ट्रेड था, चाइना का राज दरबार था, जिसने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है व्यापार को, और इस समय में सारा ट्रेड आप चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस्ड ही देखेंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक झुकाव आप देखेंगे, और चाइना का दरबार इसे समर्थन दे रहा है। ये वो दौर था जब भारतीय व्यापारी चाइना जाते थे, और चाइना का कैंटोन का इलाका, जिसे काफून कहा गया है अरबी भाषाओं में, तो कैंटोनीज एरिया चाइना का साउथ में ना, चाइना के साथ में कैंटोनीज एरिया है, ठीक है। तो कैंटोन खाना भी होता है, कैंटोनीज कुजीन, तो कैंटोन एरिया है। तो ये जो कैंटोन एरिया था, कैंटोन पोर्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड का जरिया बना। यही कारण है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इन व्यापारियों के साथ बेअंत पैमाने पर बुद्धिस्ट मॉन्क भी जाते थे चाइना, और वहां के दरबार में अच्छी रेप्यूटेड पोजीशंस होल्ड करते थे। तो भारतीय इतिहास का ये 10th से 11th सेंचुरी का वो दौर है जब मैक्सिमम बुद्धिस्ट मॉन्क्स चाइना पहुंचे हैं समुद्री रास्ते के माध्यम से, और वो भी कैंटोन के थ्रू। तो ये इतना भयंकर दर्जे का व्यापार था कि इसी का प्रमाण है कि इस समय में मैक्सिमम बुद्धिस्ट मॉन्क्स चाइनीज दरबार में पहुंचे हैं 10th से 11th सेंचुरी में, और ये व्यापार के माध्यम से ही पहुंचे हैं। आप ध्यान से एक चीज देखिए कि ह्योनसांग जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से गया था, है ना, आपने ये पढ़ा ना। लेकिन इसके बाद 9th और 10th सेंचुरी में आपको कुछ बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स नजर आएंगे, और उनका भारत का अकाउंट भी देखने को मिलेगा। वो आपको वापस जाते नजर आते हैं समुद्री रास्ते से, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण है कि मार्को पोलो आया तो बाय लैंड था, लेकिन बाया गया वो बाय ओशियन रूट, और उसने स्टे मालाबार में वो रुका, वहां से बहाज पानी वाला जहाज बदला, और फिर वो आगे गया है ओवर द लैंड होकर के, अरेबियन सी क्रॉस करके, गल्फ ऑफ पर्शिया होकर के, फिर बाय लैंड वो आगे निकल गया। तो कुल मिलाकर के समुद्र का व्यापार है, हवाओं का ज्ञान है, ऋतुओं की नॉलेज है, इसलिए ये चीजें हो पा रही हैं, और भारत तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसका रीजन क्या है? मॉनसून से बिफोर आपको वेस्ट टू ईस्ट विंड चलती नजर आती है, लेकिन ड्यूरिंग मॉनसून लो प्रेशर सिचुएशंस इंडिया में बनी होती हैं, और प्रेशर बेल्ट होती हैं, एक आप लोगों को अभी नहीं पता, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है प्रेशर बेल्ट, ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से भारत पर एक समीकरण ऐसे बनते हैं कि हवाओं का प्रभाव उतना तेज नहीं रहता, रुक जाता है, और आसपास के ओशियंस में भी, तो आप ट्रेवल उन दिनों में नहीं कर सकते। तो मॉनसून के दौरान आप जहाज रोकते थे, रोकने कहाँ होते थे? भारत में, क्योंकि उससे पहले वेस्ट टू ईस्ट जा सकते थे, तो आप भारत आ गए हैं, आपने वहां पर सामान अनलोड कर दिया, प्रेपरेशन चल रही है, प्रोक्योरमेंट का दौर चल रहा है, भारत से माल प्रोक्योर होगा, सब कुछ होगा, मानसून खत्म होते ही अब हवाएं ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं, और अब आप ईस्ट टू वेस्ट लेकर के आएंगे सामान। तो ईस्ट से वेस्ट वाले भारत कब आएंगे? मानसून के बाद। वेस्ट से ईस्ट वाले भारत कब आएंगे? मानसून से पहले। और यहाँ पर मंडियां सजेंगी, मंडियां तो भारत का ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट, ये तो हॉटस्पॉट हुआ करता था व्यापार का, और उसी समय से हमारे संबंध अफ्रीकन ईस्टर्न कोस्ट के साथ हुए हैं, जिसी के बेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट मौसम चलाया था,
प्रोजेक्ट मौसम। तो मौसम प्रोजेक्ट इसका क्यों था, क्योंकि मौसम के आधार पे हवाएं हवाओं की दिशा निर्धारित होती है और उसी के आधार पर तय होता है कि व्यापार कैसे होता था। तो भारत इसका सेंटर पॉइंट होता था और भारत में सामान अनलोड लोड होता था। तो देखिए कैसे हिस्ट्री करंट से जुड़ जाती है। इसी तरह से भारत सेंट्रल रोल था, तो भारत तो ट्रेड में अग्रणी था, इम्पोर्टेंट था। अगर आप बात करें, जब भी कोई फॉरेनर भारत आता है, सभी ने एक अकाउंट दिया कि बहुत ही लैविश लाइफ हुआ करती थी रूलर की। उसके बाद सेकंड लैविश लाइफ हुआ करती थी उसके फ्यूडल्स, उसके चीफ और महंतों की। जब इतना भव्य जीवन वो बिता पा रहे हैं, इट मीन्स कि उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज हैं तभी वो उन चीज का उपभोग कर पा रहे हैं। तो इसमें आप बहुत सारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के भी देखेंगे। जैसे अपर सेक्शंस की बात की जाती थी कि ये सिल्क का यूज बहुत बड़े लेवल पे करता था। सिल्क का यूज अभी हो सकता है अगर सिल्क आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड, बेअंत पैमाने पर जिन हीरे जवाहरातों से जड़ा होता था मंदिरों को, और जो ऑर्नामेंट्स ये खुद पहनते हैं, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द आर्टिकल इम्पोर्ट किए होते थे। तो वो इम्पोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड है, तभी वो हो पा रहा है। और ऐसा भी कहा गया है कि दुनिया भर का जितना भी सोना है, गोल्ड है या सिल्वर है, घूम फिर करके भारत में ही खपत होता था। तो भारत का स्पाइस, भारत के अदर मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो इतना गोल्ड भारत में आ रहा है जिसका उपयोग आप मंदिरों को बनाने में, निर्माण करने में कर रहे हैं। चोला रूलर्स अगर इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया से टिन लेके आ रहे हैं, तभी ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बन रहे हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट है ट्रेड, तभी तो चोला रूलर्स ने इतना खर्चा करके नेवल फ्लीट मेंटेन की हुई है, वरना वो कभी भी ये करेगा ही नहीं। तो साउथ ईस्ट एशिया में धर्म का फैलना व्यापारियों के माध्यम से, वहां इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे अरबी व्यापारियों का आकर के सेटल होना पहले के समय से ही, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स का उन्हें सेटल होने देना, भारत में बड़े पैमाने